हे गाइस, माय नेम इज महेश पाटिल एंड वेलकम बैक टू आर टी स्टूडियो। गाइस, आप देख रहे हो यहाँ पे एक क्लासिक टाइप का एक डिज़ाइन यहाँ पे वॉल पे बना हुआ है। इस टाइप का डिज़ाइन कैसे बनाते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अपने कई इंटीरियर डिज़ाइन में इस तरीके की डिज़ाइन आपने देखी होगी। जो पैटर्न आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे इसको शेप दिया हुआ है, एक पैटर्न बनाया है। इस तरीके का इंटीरियर डिज़ाइन आपने बहुत यहाँ पे देखा होगा। तो इसको कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले हम टॉप व्यू में आ जाते हैं। यहाँ से हम बॉक्स सिलेक्ट कर लेते हैं और एक यहाँ पे वॉल क्रिएट कर लेते हैं। इसको हम हाइट दे देंगे 3.05। मैंने इसको यहाँ पे हाइट, लेंथ और विड्थ दे दी है। एक सपोज है हमारी एक वॉल है और हमें इसके ऊपर एक पैटर्न बनाना है, जैसे कि यहाँ पे बनाया है इस तरीके का। अगर हम पैटर्न बनाना है उसके लिए हमें यहाँ से फ्रंट व्यू में आ जाना है। फीड हम ऑफ कर देते हैं, F3 करना है। अगर आपको इस वॉल पे ऐसी डिज़ाइन चाहिए तो उसके लिए आपको उस जगह पे एक पाथ क्रिएट करना पड़ेगा, एक शेप आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। जहाँ जहाँ पे भी आपको डिज़ाइन चाहिए उस जगह पे आपको एक शेप क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अपने वॉल पे यहाँ पे सब जगह पे शेप क्रिएट कर लेते हैं, जहाँ जहाँ पे भी हमें डिज़ाइन चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ से इसको मटेरियल असाइन कर देता हूँ, इसको वाइट मटेरियल असाइन कर देता हूँ। उसके बाद हम क्रिएट पैनल में जाएंगे, यहाँ से शेप में जाएंगे और यहाँ से मैं रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेता हूँ और जहाँ पे भी मुझे शेप चाहिए वहाँ पे मैं उसको ड्रॉ कर देता हूँ। इसका कलर हम यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से हमें यहाँ पे शेप क्रिएट करना है। मुझे इसके अंदर भी एक चाहिए तो मैं यहाँ पे भी एक शेप ऐसे क्रिएट कर लूँगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे रेक्टेंगल क्रिएट करना है। जहाँ जहाँ पे आपको यहाँ पे डिज़ाइन चाहिए उस जगह पे आपको ऐसा पाथ आपको क्रिएट कर लेना है। आप शिफ्ट प्रेस करके इसको भी ऐसे कॉपी कर सकते हैं। बाद में आप यहाँ से इसका लेंथ बढ़ा देंगे। फिर दोनों को सिलेक्ट करके सेम पैटर्न हमें यहाँ पे भी कॉपी कर लेना है। और हाँ गाइज, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे भी जरूर क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। मैं इसी तरीके की वीडियोस बनाता रहता हूँ, आप प्लीज जाके मेरे चैनल पे एक बार विजिट कीजिए। आपको काफी ट्यूटोरियल्स वहाँ पे मिल जाएंगे, इंटीरियर एक्सटीरियर मॉडलिंग की और रेंडरिंग की काफी ट्यूटोरियल्स मैंने बना के रखी है, आपको उससे भी काफी हेल्प होगी। प्लीज जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबको एक कलर कर लेते हैं यहाँ से। अभी हमें इसके सेंटर में भी एक रेक्टेंगल यहाँ पे बना लेते हैं और उसको कुछ अलग हम यहाँ पे शेप क्रिएट करेंगे। इस तरीके से हमें यहाँ पे एक सेंटर में एक इसके यहाँ पे रेक्टेंगल क्रिएट करना है। अभी हमें इसके कॉर्नर में कुछ अलग यहाँ पे प्रोफाइल हमें क्रिएट करना है, थोड़ा सा है हटके लगेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर एक मॉडिफायर अप्लाई करते हैं, एडिट स्प्लाइन। इसके चारों कॉर्नर को, चारों कॉर्नर का जो वर्टेक्स है हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। चारों कॉर्नर के वर्टेक्स सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ से चैम्पर के ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको इसको इस तरीके से यहाँ पे चैम्पर कर देना है। देन आपको वापस से क्रिएट पैनल में जाना है और यहाँ से आर्क सेलेक्ट करना है। 2D पैनल आपको 2.5 आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ से वर्टेक्स सेलेक्ट करना है। मिड पॉइंट को आप निकाल दीजिए यहाँ से। देन आपको इस
कॉर्नर से इस कॉर्नर तक एक आर्क को आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। सेम आर्क आपको यहाँ पे भी क्रिएट करना है। तो आपके चारों कॉर्नर पे चार आर्क आपने क्रिएट कर दिए। उसके बाद आपको यहाँ से रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है, मॉडिफाई में जाना है और यहाँ से सेगमेंट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने चारों कॉर्नर वाले जो चैम्फर किए थे सेगमेंट, उसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद उसको यहाँ से डिलीट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से नीचे जाना है और यहाँ से अटैच पे क्लिक करके आपको चारों आर्क जो आपने यहाँ पे क्रिएट किए थे उनको अटैच कर लेना है। देन आपको यहाँ से वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है और सबको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से इसको वेल्ड कर लेना है। यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो आपको वेल्ड का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ से इसको वेल्ड कर देना है। तो आप देख सकते हैं अभी हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया है ना। आप इसको ही कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से स्केल पे जाके शिफ्ट प्रेस करना है और इसको स्केल डाउन करेंगे आप यहाँ पे, तो इसकी एक कॉपी आपको यहाँ पे बन जाएगी। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे डिजाइन जो है, वॉल का जो प्रोफाइल है, जो हमारा पाथ था यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अभी हमें एक शेप क्रिएट करना है जो इसके पाथ के ऊपर हमें एक शेप हमें यहाँ पे बनाना है, एक प्रोफाइल हमें इसके ऊपर बनानी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे जिस तरीके की यहाँ पे एक प्रोफाइल इसके ऊपर बनी है, जो शेप आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस तरीके का आपको यहाँ पे प्रोफाइल बनाना है। उसके लिए आपको यहाँ पे टॉप व्यू में जाना है, 2D स्नैप में यहाँ पे ऑन करता हूँ। टॉप व्यू में जाने के बाद आपको यहाँ से क्रिएट पैनल में जाना है और यहाँ से लाइन पे क्लिक करना है, कॉर्नर सेलेक्ट कर लीजिए और मैं यहाँ पे एक बेसिक सा सिंपल शेप में यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से यहाँ पे बना सकते हैं, आपके पास कोई रेफरेंस होगा तो आप यहाँ से वहाँ से देख सकते हैं या फिर गूगल से भी आप यहाँ पे एक शेप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बेसिक सा शेप यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये मेरा शेप यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको मैं मिरर कर देता हूँ। और इसको यहाँ पे मूव कर देता हूँ। देन आपको इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे नीचे जाएंगे तो आपको अटैच का ऑप्शन मिलेगा और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को आपको इसको अटैच कर लेना है। के बाद अभी ये एक ऑब्जेक्ट बन गया है। देन आपको यहाँ से वर्टेक्स सेलेक्ट कर लेना है और इसको यहाँ से वेल्ड कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से फिलेट पे क्लिक करना है और इसको यहाँ से इस तरीके से इसको फिलेट कर देना है। अभी हमारा जो ऑब्जेक्ट है दोनों साइड में सेम है, उसका जो शेप है दोनों साइड में सेम है, पैरेलल है। तो हमें क्या करना है, दोनों साइड के जो वर्टेक्स है उसको एक साथ सेलेक्ट करना है और इसको इस तरीके से यहाँ पे शेप क्रिएट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा शेप क्रिएट हो चुका है। इस तरीके से आपको यहाँ पे शेप यहाँ पे बनाना है। चाहे तो ऐसा भी रख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे एक और यहाँ पे कर्व बना देते हैं। तो ये शेप हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। उसके बाद पर्सपेक्टिव में जाना है। अभी आपने यहाँ पे जो भी रेक्टेंगल यहाँ पे बनाई है, जो भी शेप आपने यहाँ पे बनाया है, उसके ऊपर आपको ये वाला प्रोफाइल को डालना है, ये शेप आपको इसके ऊपर डालना है। उसके लिए आपको यहाँ से एक मॉडिफायर को अप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए कोई भी एक रेक्टेंगल को आप सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मॉडिफायर लिस्ट में जाइए और यहाँ से आप स्वीप मॉडिफायर को सिलेक्ट कर लीजिए।
एरर स्विफ्ट मॉडिफायर को आप सिलेक्ट करेंगे, वैसे ही यहाँ पे एक ऑलरेडी दूसरा प्रोफाइल आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी दिखा रहा है एंगल का प्रोफाइल, ये बाय डिफॉल्ट इसके प्रोफाइल यहाँ पे स्विफ्ट मॉडिफायर अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ से ये प्रोफाइल आपको मिल जाएंगे। मगर हमें यहाँ पे ये प्रोफाइल नहीं चाहिए, हमें ये वाला प्रोफाइल चाहिए। इसके लिए हम सेकेंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, यूज कस्टम सिलेक्शन। इसके बाद हम यहाँ से पिक पे क्लिक करेंगे और जो भी हमने यहाँ पे शेप क्रिएट किया था उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, हमारे जो हमने पाथ बनाया था, रेक्टेंगल बनाया था, उसके ऊपर ये प्रोफाइल हमारा यहाँ पे आ जाएगा। मगर हमें ये ब्लैक दिख रहा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके ऊपर एक मटेरियल असाइन कर देंगे। मैं ऐसे कोई भी एक मटेरियल इसको असाइन कर देता हूँ, ग्रे कलर वाला कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा प्रोफाइल यहाँ पे आ गया है, मगर ये काफी बड़ा है यहाँ पे। तो अभी इसको छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो यहाँ पे हमने शेप यहाँ पे क्रिएट किया था तो हम इसको ही चेंज करेंगे। तो जो भी हम चेंज यहाँ पे करेंगे वो चेंज इसके ऊपर हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से स्पील लाइन को सिलेक्ट करना है और इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ से स्केल पे क्लिक करके इसको यहाँ से स्केल कर देना है। जैसे ही आप इसको स्केल करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी प्रोफाइल था वो अपने आप यहाँ पे स्केल हो चुका है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको स्केल कर लीजिए। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, आपको वापस से यहाँ से राइट क्लिक करके इसको बाहर आ जाना है, वापस से स्विफ्ट मॉडिफायर में जाना है और आप तो यहाँ पे नीचे जाएंगे तो आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर आप यहाँ पे सेंटर में क्लिक करेंगे तो अपना ये जो ऑब्जेक्ट है जो हमने यहाँ पे शेप क्रिएट किया था वो सेंटर से चालू होगा, जो डिजाइन हमने यहाँ पे क्रिएट किया था। अगर आपको इस कॉर्नर से चाहिए तो आप इस कॉर्नर से इसको क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे आपका शेप भी यहाँ पे आपको दिखेगा जो शेप आपने इसके ऊपर अप्लाई किया है। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये शेप कहाँ से शुरू हो रहा है, तो आप इसको यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं ये वाले पॉइंट को इसको रख रहा हूँ। देन आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहे, स्मूथ सिलेक्शन, तो अगर आपको स्मूथनेस की जरूरत है तो आपको इसको टिक कर दीजिए। स्मूथ पाथ, अगर आपको यहाँ पे इस पाथ को स्मूथ करना है या फिर नहीं करना है तो आप इसको अनटिक कर दीजिए। इस तरीके से आपका यहाँ पे पाथ दिखेगा, मैं इसको अनटिक कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो स्विफ्ट मॉडिफायर आपने अप्लाई किया इसको कॉपी कर लीजिए और एज अ इंस्टेंस सब पे आप इसको पेस्ट कर दीजिए। तो जो भी आपने यहाँ पे चेंजेस किया था वो सारा चेंजेस आपको इसमें दूसरे इसमें भी मिल जाएगा। मगर ये वाला यहाँ पे कॉपी नहीं होगा क्योंकि ये अलग शेप है, तो इसके लिए हमें वापस से इसको स्विफ्ट मॉडिफायर को अप्लाई करना पड़ेगा। वापस से इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, मॉडिफायर लिस्ट में जाएंगे और यहाँ से स्विफ्ट मॉडिफायर को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके लिए भी वही करना है, सेकेंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, यूज कस्टम सिलेक्शन, पिक ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप पिक करेंगे वो अपने आप यहाँ पे उसका प्रोफाइल ले लेगा। आपको इसकी सेटिंग वापस चेक कर लेनी है। ओके, फिर इसको आप कॉपी कर सकते हैं यहाँ से और सेकेंड वाला जो ऑब्जेक्ट है आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। मगर मुझे सेंटर वाला जो भी मेरा यहाँ पे पोर्शन है उसके लिए मुझे दूसरा प्रोफाइल चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा। और इसको भी मैं यहाँ से सेम मटेरियल असाइन कर दूंगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्रोफाइल इसके ऊपर प्रॉपरली यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, तो आप यहाँ से इसको स्विफ्ट में जाके
इसको चेक कर सकते हैं यहाँ से। इस तरीके से आपको यहाँ पे इसको चेक करना है, सारे आपके प्रोफाइल यहाँ पे आ रहे कि नहीं आपको एक बार चेक कर लेना है। देन सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट के लिए हम दूसरा वाला प्रोफाइल यहाँ पे बना लेते हैं। लाइन में जाना है, इसके लिए हमें छोटा सा प्रोफाइल चाहिए, तो हम एक छोटा यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं। इस तरीके का छोटा प्रोफाइल, इसको यहां से मिरर कर देना है। सेम प्रोसेस है, इसको यहां से अटैच करके जैसे हमने पहले किया था, वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ से फिलिप पर क्लिक करना है। ये फिलिप नहीं हो रहा है, हमने यहाँ पे इसको वेल्ड नहीं किया, इसको वेल्ड करना है पहले, उसके बाद यहाँ से फिलिप पर क्लिक करना है। तो ये वाला हमारा प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो सेकंड के लिए हमें छोटा प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, वापस से पर्सपेक्टिव में जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। मिडल वाला जो हमने यहाँ पे छोड़ा है उसके लिए हमें वापस से ऐसे स्वीप मॉडिफायर इस पर अप्लाई कर देना है। यूज कस्टम सिलेक्ट पे क्लिक करना है, पिक करना है यहाँ से जो प्रोफाइल हमने यहाँ पे क्रिएट किया था उस पर हमें क्लिक करना है। आप देख सकते हैं हमारा दूसरा वाला प्रोफाइल भी यहाँ पे आ गया है, इसको भी हम यहाँ से मटेरियल असाइन कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको इसके प्रोफाइल को यहाँ पे बनाना है। इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से इंस्टेंस पेस्ट कर देता हूँ। इसके लिए भी हमें यहाँ से स्वीप मॉडिफायर अप्लाई करना पड़ेगा। स्वीप मॉडिफायर को अप्लाई करना है, सेम प्रोसेस है, ऐसे पिक करना है। मटेरियल असाइन कर देना है। आप देख सकते हैं इसका सारा यहाँ पे ठीक से आ रहा है। अभी गाइस मैंने इसके रेंडरिंग के लिए एक सीन बना के रखा है, तो मैं इसको जल्दी से इंपोर्ट कर लेता हूँ, आपको रेंडरिंग के लिए दिखा भी देता हूँ कैसे इसका रेंडरिंग आता है। उसके बाद आपको ये जो आपने प्रोफाइल इसको क्रिएट किया है उसको अच्छे से वॉल के ऊपर प्लेस कर दीजिए और इसको यहाँ से मैं इसको मेरे सीन के यहाँ पे ले लेता हूँ जहाँ पे मुझे रेंडरिंग करना है इसका। तो मैंने एक यहाँ पे सीन बना के रखा था छोटा सा रेंडरिंग के लिए। आप देख सकते हैं ये हमारा कैमरा है और हमने यहाँ पे एक यहाँ पे सीन बना के रखा है। तो अभी हम इसका यहाँ से एक बेसिक रेंडर निकाल देते हैं।
ऑलराइट गाइस, हमारा यहाँ पे जो क्लासिक वॉल का डिजाइन है, जो पैटर्न हमारा यहाँ पे वो बन चुका है। तो आपको इस तरीके से इसको बनाना है। अगर आपको गाइस ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे जरूरी बात, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए, ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियो उसका नोटिफिकेशन मिले। मैं इसी तरीके की वीडियो बनाता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।